नमस्कार यूपी अपडेट आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा बीसलपुर हो या पीलीभीत हमेशा बीसलपुर से जुड़ी हुई तस्वीरें खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और हमारे पास से कोई ऐसी प्रतिभा छूट जाए जो हमसे दूर जाए हम आज फिर एक ऐसी प्रतिभा के साथ मौजूद हैं क्योंकि हमारे बीसलपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है सबसे पहले हम भरत माँ की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ के बाद बनाई गई है एक छात्रा है क्या नाम है आपका हेलो एवरीवन मेरा नाम मेघा गुप्ता है और मैं अभी जल्दी मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है तो मैं यूट्यूबर हूँ और मैं काफ़ी समय से अपना क्रिएटिव क्राफ्ट वगैरह की मैं इंटरेस्टेड लेती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ क्रिएटिव क्राफ्ट से रिलेटेड आप मेरे चैनल पर जाके देखिएगा वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी मिलेगी लाइक जैसे मैंने मोम के ऊपर बनाई हुई है पेंटिंग और मैंने वॉल पर भी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग करी हुई है काफ़ी बड़ी बड़ी वॉल पर पे पेंटिंग की हुई है और रंगोली बनाना भी ये मेरा सारा बचपन से पैशन है तो मैं करती रहती हूँ अलग अलग चीज़ों पे क्रिएटिविटी करती रहती हूँ तो बट आज मैंने बहुत पहली बार इतनी बड़ी भारत माता की तस्वीर बनाई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बनाते हुए इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि हमने इसे परसों से बनाना शुरू किया है तीन बजे से बनाया है और इसका खाका वगैरह बनाया फिर उसके बाद में इसमें कलरिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगा परसों से लेके अभी तक इसमें पूरा टाइम लगाया और इसके आगे का भी अभी काफ़ी एंडिंग भी इसका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तो बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है अगर आप इसको पूरा देखेंगे एंड में हमने इसमें दिया वगैरह से हमने सोचा है पूरा बनाने का और दिया का फॉर्मेशन भी मैंने खुद किया है उसमें स्टार वाले जो दिया मैंने बनाए हैं वो मैंने खुद से अपने आप ही क्रिएटिव खाकर वगैरह बना के उसके बाद में उसका मोल्ड बनाया तैयार किया उसके बाद में उसमें कलर मोम वगैरह लगा के और छोटे छोटे दिए खुद तैयार किए उसका सैम्पल मैं आपको भी एक दिखा सकती हूँ ये दिए भी आपके द्वारा तैयार किए गए हैं हाँ जी इनको किस तरह से बनाया गया क्या किस तरह से ये बनाया गया इसका अच्छा साचे साचा। में रख के दिए बनाए गए अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जैसे आपने भारत माता की तस्वीर बनाई सबसे पहले तो आपने अपने YouTube चैनल की चर्चा की तो उसका नाम पहले हमारे दर्शकों को विद हाँ स्पेलिंग बता दी मेरे YouTube चैनल का नाम है दा मेघा स्टार जिसमें आप दा का टी कैपिटल रखेंगे उसके बाद मेघा में एम कैपिटल रखेंगे और फिर मेघा और स्टार के बीच में एक अंडरस्कोर का साइन है वो लगाएंगे आप तो आपको मेरे चैनल पे दिखेगा और उसकी जो डीपी है वो ग्रीन कलर की है और वो मेरी खुद की पेंट की हुई है तो आपको दिख जाएगा वो ग्रीन कलर की डीपी मेघा जी आपने भारत माँ की तस्वीर बनाने का ये जुनून कहाँ से आया आपने कब सोचा कि मुझे भारत माँ की तस्वीर बनानी चाहिए और इतनी बड़ी बनानी एक्चुअली स्टार्टिंग में जब से मैं अपना क्रिएटिव चैनल मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि हर बारी मैं कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव लेकर आऊँ जिससे कि थोड़ा अलग तो ये भी मेरे लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैंने इतनी बड़ी कभी बनाई नहीं तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं इस बारी और मैंने सोचा हाल ही में कोई अच्छा ओकेजन आए तो मैं बनाऊँ और ओकेजन सॉ रिपब्लिक डे से अच्छा कोई और ओकेजन हो ही नहीं सकता था तो रिपब्लिक डे मैंने सोचा कि ठीक है फिर भारत माता का बनाते हैं थोड़ा बड़ा सा अच्छा लगेगा अच्छा दूसरा सवाल हमारा आपसे यह था कि ये कब से मतलब आप पेंटिंग करती हैं और सबसे पहले शिक्षा की बात की जाए शिक्षा के बारे में बताइए जी मैंने अपना ट्वेल्थ राधा माधव पब्लिक स्कूल से किया है बरेली से और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है आईएफटी बरेली से जिसमें मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग ऑप्ट किया था तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें की हैं टास्क वगैरह भी मिलते थे तो उससे रिलेटेड बट उसमें ये रंगोली वगैरह नहीं सिखाया जाता है कि तो हमारा बचपन से अपना शौक है जब भी होली दिवाली त्यौहार वगैरह आते थे तो उस उसमें हम रंगोली बनाते थे तो हर बार हार सोचते थे कि इस बार कुछ और नई तरीके से बनाएं इस बार कुछ और नए तरीके से तो ऐसे करके अपना पैशन बढ़ता गया जैसे आपने अभी बताया दो तीन दिन लग गए बनाने में हाँ अब मैं फिर से सवाल यही पूछूंगा इसको बनाने में दो तीन दिन या रात में भी मेहनत करनी पड़ी हाँ जी रात में कल एग्जैक्टली exactly हमने ये 11 बजे तक कंप्लीट की है काफी ज्यादा हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लिया था और यहाँ पे आके हमने इसकी डिटेलिंग वर्क की है वैसे तो अगर इतनी बड़ी रंगोली और इतना डिटेलिंग के साथ में अगर हम बनाते हैं तो हमें आराम से तीन से चार दिन इवन पाँच दिन भी लग जाते हैं अगर बहुत थ्री रंगोली बनाते हैं बट हमने पूरे चौदह चौदह घंटे काम किया है सुबह नौ दो बजे से आके रात 11 बजे तक की ये रंगोली बनाई है तब जाके ये हमारी ढाई दिन में आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हुई है क्योंकि हमने इसमें किन इस किन चीज़ों का आपने प्रयोग किया है इसमें हमने बेस कलर में ऐड करने के लिए रेता यूज़ किया है सैंड क्योंकि रेता से बहुत अच्छा फ्लो आता है और शाइनिंग भी होता है रेता में तो इसलिए हमने रेता यूज़ किया है इसमें और जो हमारा खड़िया वगैरह चूना होता है चूना यूज़ किया है गेरुआ यूज़ किया है और बाकी सारे जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनको मिला मिला के हमने शेड्स और टोन्स बनाए हैं जैसे मैं एक बार फेस दिखाना चाहूँगा फेस बिल्कुल सेम कलर बना दिया है आपने इसमें क्या क्या मिलाया आपने इसमें एक्चुअली दो तीन लेयर चढ़ी हैं कलर की पहले हमने बेस कलर बनाया इसका नॉर्मल थोड़ा सा येलो कलर टोन लेके लाइट येलो से उसका हमने फेस बना दिया उसके बाद में हमने उसमें ब्लैक कलर से आईज़ वग़ैरह हाइलाइटिंग्स वगैरह की और फिर उसके बाद में हमने छन्नी से मेन इसको छान के ऊपर स्प्रेड किया कलर तब जाके ये लुक आया जो आई वग़ैरह और रोज़ वगैरह का देखा बड़ी मेहनत कर रही है कितना आपका साथ दिया यहाँ अब मेरे इस रंगोली में बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट किया है जो यहाँ के आर समाज स्कूल के हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई थी उनसे मैंने पूछा उनको बताया तो पहले वो उन्हें नहीं लग रहा था समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या उनको बताना चाह रही हूँ तो जब मैंने उनको अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो दिखाया जो मैंने मोमबत्ती के ऊपर बनाया था मोम के ऊपर बनाया था पेंटिंग तो उससे उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि जब इसके अंदर टैलेंट है तो फिर इसको आगे उन्होंने मेरे टैलेंट को सपोर्ट किया उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है तुम बनाओ और उन्होंने फिर आके खुद अपने आप पूरा साफ सफाई करवाई यहाँ की और सारी व्यवस्था करवाई इवन मुझे रेता जब मैंने लाया था तब बहुत गीला था तो उन्होंने बार बार धूप में रख के अलग अलग डायरेक्शन में ताकि उसको जल्दी सूख जाए तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और फिर उसके बाद में यहाँ पर रहने वाले बाबा और हमारे मम्मी पापा भी बहुत उन्होंने सपोर्ट किया कलर मंगवाना और मम्मी ने तो हमारे साथ दिए बनवाए हैं हमने तो सिर्फ साँचे तैयार किए रात में बैठ बैठ के उन्होंने इतने सारे दिए बनवाए और जितने भी लोग यहाँ पे आए स्टार्टिंग में जब नहीं बना था तो लोगों को लग रहा था शायद इतनी अच्छी रंगोली नहीं बन पाएगी ही, ही, तो इसलिए वो लोग बोल रहे थे पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उस वक्त मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा था लग रहा था कि पता नहीं ये सच में बना पाऊँगी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही थी तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी पर जब धीरे धीरे फेस का स्ट्रक्चर बना और फिर उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी आया और लोगों ने आके तारीफ़ की तब इतने सारे लोगों ने आके सपोर्ट किया हर बार तारीफ़ करी तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और फिर मैंने फाइनली कहा कि नहीं अब चाहे रात भर लगे पर इसको कम्प्लीट करके ही जाना है इसमें और क्या क्या आप अभी डिजाइन करने वाली है इसमें अभी बैकग्राउंड पूरा बनने के बाद में हम इसमें हमने सोचा है कि लास्ट में दिए जो हमने बनाए हैं इसको काफ़ी अच्छे से इसके बॉर्डर पे लगाएंगे और बहुत पास पास लगाएंगे ताकि इसका एक्चुअली ये दिए नॉर्मल नहीं है इसका जो सांचा बनाया गया है स्टार की शेप में बनाया गया है तो जब ये दिया जलता है इसकी वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं वहाँ से जब ये दिया जलता है तो इसका रिफ़्लेक्शन स्टार की तरह फैलता है तो जब ये दिया जलेगा तो इस छोटे छोटे दिए अगर जलेंगे तो इनका रिफ्लेक्शन स्टार की तरह जाएगा तो वो इफेक्ट देखने में बहुत सुंदर लगेगा जब मैंने इसका एक दिया बनाया था और उसको छोटा सा बड़ा सा दिया बनाया था रंगोली पे रखा था तो उसका रिफ्लेक्शन काफी अच्छा पहुँचा तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे दिए हम बहुत सारे बनाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर आएगा तो इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है अपनी रंगोली पे ये रंगोली बनाने में और किनकी किन की मेहनत लगी आपके साथ मेरे साथ मेरी कजिन और आज का नाम बताते रहो हाँ जी ये है वैष्णवी इसने मेरे बहुत सपोर्ट किया वैष्णवी गुप्ता इसने इसकी ये इसकी रंगोली भी बहुत अच्छी है और मुझे पहले पता भी नहीं था कि इसको इतनी अच्छी रंगोली आती है सडनली ये मेरे पास आई और इसने डिटेलिंग वगैरह का काम मुझे करके दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है अभी तक और राशि ने भी बहुत सपोर्ट किया वो इस कल कल तक जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तब राशि ने आके जब मेरा हाथ बटाया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ तो राशि का भी बहुत सपोर्ट रहा है उसने भी मेरी बहुत हेल्प की है मम्मी पापा का क्या नाम है और कहाँ रहती हैं आप हाँ जी मेरे मम्मी का नाम है श्रीमती ममता गुप्ता और पापा जी का नाम है मिस्टर सुभाष कुमार गुप्ता और मेरे पापा ऑकोपेशन उनका है बिजनेसमैन है वो कॉपी का बिजनेस करते हैं और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है और हाउस है एक्चुअली तो वो घर पे काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती रहती है अलग अलग चीज़ों के लिए आगे क्या बनना चाहती हैं आप एक्चुअली अभी तक तो मैंने भी सोचा था कि अपना पैशन का इतना क्लियरिटी नहीं थी बट जैसे जैसे मैं इतना काम करती जा रही हूँ तब मुझे लग रहा है कि नहीं अब मुझे अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि सच में मुझे भी अब अपने अंदर से लगने लगा है कि शायद मेरे अंदर आर्टिस्ट की है खूबी तो मुझे इसको निकालना चाहिए बाहर तो अब मैं आर्टिस्ट में ही अपना मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया तो आर्टिस्ट के नाम से बनाया तो डेफिनेटली मैं अब आर्टिस्ट में ही आगे जाऊँगी किस तरह से आगे बढ़ेंगे हाँ जी जैसे मेरे अंदर रंगोली और ये अलग अलग तरीके की कला है तो मैं इन्हीं की आगे अलग अलग लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ ताकि वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत लोग जानने पहचानने लगे और स्पेशली बीसलपुर का नाम तो लोगों ने सुना नहीं है मैंने जो यूट्यूब चैनल लिया है उसमें कई अलग अलग जगह से लोग हैं वेस्ट बंगाल से हैं कोलकाता और चेन्नई वगैरह से हैं तो काफ़ी दूर दूर से लोग हैं और उनसे जब बात होती है तो वो पूछते हैं आप कहाँ से हैं और मैं उनको बताती हूँ कि बीसलपुर से हूँ तो वो बोलते हैं कि बिलासपुर आपके कहने का मतलब बिलासपुर तो मैंने कहा नहीं बीसलपुर तो ये भी कोई जगह है हमने तो सुनी नहीं है आज तक तो मतलब बीसलपुर का नाम किसी ने सुना नहीं है बहुत कम लोगों ने सुना है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू ये बीसलपुर का नाम भी बहुत ज्यादा आगे तक जाए इसका कारण रहा है बेटा कारण ये रहा है कि यहाँ पर किसी ने भी अपनी प्रतिभाओं को बीसलपुर के तौर पर उभारने का प्रयास नहीं किया हम सबसे पहले ये काम इसीलिए करते हैं कि बीसलपुर की प्रतिभाओं को अपने चैनल के माध्यम से कि बीसलपुर के लोग जाने पीलीभीत के लोग जाने वास्तव में हमारे बीसलपुर में ही तीन आई हैं पूरी ज़िले में तो हमसे ज़्यादा प्रतिभावान कोई नहीं है लेकिन हम सारी प्रतिभाएँ जो छुपी हुई हैं हम लोगों के लिए खेल के मैदान नहीं है आप मजबूर होकर एक छोटी सी जगह पर यहाँ पर ये अपना परिदृश्य दिखाने को मजबूर हुई है कि मतलब आपने प्रयास किया और एक बंद कमरा ही है अगर किसी चौराहे या किसी बड़े मैदान पे आपने बनाया होगा तो तो इसकी कितनी लाइटिंग होती है आप भी समझ सकते हैं कहीं ना कहीं तक यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हाँ। और मेरा टीआईएफ के नाम से एक एनजीओ भी है जिसपे मैंने काम किया एक साल हो गया है वहाँ मैं छोटे छोटे बच्चों को यही टैलेंट की स्किल्स सिखाती हूँ तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे भी मैं आऊँ यहाँ पे भी लोगों को बताऊँ कि भाई मेरे अंदर पेंटिंग्स की और इसकी कला है पर तब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको बोल रही थी कि आप आओ मैं आपको सिखाऊंगी कोई चार्जेस नहीं है कोई चार्जेस नहीं है पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था तो अब जब शायद मेरा ये काम देखा है लोगों ने तो शायद अब मेरे पास लोग आएंगे सीखने के लिए और मैं उनको सिखा पाऊंगी उससे उनका होगा क्योंकि जब तक हमारे अंदर कला या कोई स्किल नहीं होगी तब तक हम कैसे आगे बढ़ तो बहुत बहुत अच्छा बीसलपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है हम पहले से ही कहते आए हैं चाहे साइकिल से फेरी लगाने वाला व्यक्ति एक बेहतर एंकर हो सकता है बीसलपुर ही है जहां पर तीन आईएएस हैं बीसलपुर ही है जहां पर सर्वाधिक सरकारी नौकरियां हैं पूरे जनपद में और बीसलपुर में इस तरह की प्रतिभाएं भी हैं कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा यूपी अपडेट पीलीभीत